एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आपके जो आज मैंने वीडियो डाली थी दोनों बच्चों की, राम और श्याम की, आपने बहुत अच्छे उससे रिलेटेड जो है कमेंट्स दिए हैं और बच्चों को इतना सारा प्यार भी आप देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बड़े हो जाएंगे, वो अपनी वीडियोज़ देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो भी आगे कभी फ्यूचर में ब्लॉगिंग करेंगे तो उनके साथ, मतलब कि वो उनकी एक यादें भी रह जाती हैं। आप सब जो है एक मेरी फैमिली की तरह बन गए हैं, जो ऐसे कमेंट्स अच्छे अच्छे मुझे करते हैं। वैसे तो सभी के कमेंट्स अच्छे होते हैं, ऐसा कोई बुरा कमेंट मेरे पास नहीं आता है, तो कोई ऐसा कभी कमेंट आया भी नहीं है। तो मुझे उससे रिलेटेड मतलब कोई ऐसी, आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का। तो आज एक तो वीडियो मेरी ये थी राम श्याम से एक्टिविटी से रिलेटेड, दूसरी वीडियो मेरी ये थी कि IVF में जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं वो बेयर करना मुश्किल हो जाता है। देखिए वो तो उससे हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो क्या है कि मैंने जो है कभी इससे रिलेटेड कोई ब्लॉग तो नहीं डाला, लेकिन मुझे जो है एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल रहता है। तो क्या देखिए क्या होता है कि IVF में अब मतलब कि बहुत जो है ये पेनफुल रहता तो है, लेकिन अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्या बोल सकती हूँ, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो देखिए एक जो मैसेज मेरे पास आया था, मुझे था उनका मैसेज बुरा तो नहीं लगा है, लेकिन मैं उनका आंसर जरूर देना चाहूँगी और उनका नेम लेकर उसको हाईलाइट भी करना चाहूँगी। हाईलाइट इसलिए करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनके कमेंट को हाईलाइट कर रही हूँ तो मुझे बुरा लगा है, इस क्योंकि हो सकता है उन्होंने तो ऑन द स्पॉट या मुझे लिख दिया, बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके माइंड में भी ऐसा, क्योंकि अगर मैं पहले ब्लॉग्स देखती थी, अगर कोई ऐसा कोई कमेंट करता था तो उससे रिलेटेड उसके रेफरेंस में जो है बहुत से लोग बोल देते थे, लेकिन जब उनका कमेंट आया तो उनके रेफरेंस में किसी ने कुछ नहीं बोला। तो हो सकता है किसी और के माइंड में भी ऐसी कोई बात होगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उनके कमेंट को लाइक किया है तो या डिसलाइक किया है, लेकिन किसी और के माइंड में भी ऐसी बात हो सकती है और वो बोल ना पाए हों, तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो उनका नेम है जीवन, जीवन के नाम से, और उन्होंने लिखा है, मैं आपको पूरा पढ़ के बता रही हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी डालूंगी इसे। इस चैनल पर मैं IVF के गाइडेंस मतलब IVF के गाइडेंस नहीं बताते जो जरूरी है। अगर पूछो कि कौन सा इंजेक्शन कब तक चला तो रिप्लाई आता है डॉक्टर जब तक बोलते हैं तब तक लिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, सेल्फिश अप्रोच है। तो देखिए मैं आपकी हर एक लाइन का आंसर देना चाहूंगी। देखिए IVF से रिलेटेड कोई आपको गाइडेंस नहीं बताती। देखिए IVF मेरे जो ये ब्लॉग है वो IVF की गाइडेंस से रिलेटेड ही है, मेरा एक्सपीरियंस ही है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद है, अगर पूछो कि कौन से इंजेक्शन कब तक लगाए जाते हैं तो आंसर ये आता है कि डॉक्टर जब तक बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे जो इंजेक्शन्स हैं वो 6 मंथ तक लगे हैं, और ये जो है, अगर हो सकता है आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको मैंने ये बताया है कि मेरे 6 महीने तक इंजेक्शन लगे, मुझे 4 महीने तक ब्लीडिंग हुई। ये मैंने पता नहीं कितनी वीडियो में डाला है, अगर मेरी टोटल 200 वीडियोस हैं तो मैंने 150 वीडियो में ये बताया है, 150 वीडियोस में ये बताया है कि मुझे 6 मंथ तक इंजेक्शन लगे और मुझे 4 मंथ तक ब्लीडिंग हुई। मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं छुपाया। हाँ, अगर आप इंजेक्शन का नेम लेकर बताते हैं, कुछ इंजेक्शन्स जो हैं मुझे नहीं लगाए गए, मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि मेरे 6 मंथ तक इंजेक्शन लगे, लेकिन साथ में ये भी लिखती हूँ कि आपके डॉक्टर का प्रोसीजर अलग हो सकता है। मैंने जब IVF कराया था तो मेरी, अगर आप डिलीवरी का ब्लॉग स्टार्टिंग का देखेंगे तो वहाँ पर और भी पर्संस जो थे वो मेरे साथ थे, काफ़ी IVF से रिलेटेड पर्संस थे। उन्होंने ये किसी को 9th मंथ तक वो इंजेक्शन लगे थे, जो प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन मैंने आज आपको बताए वीडियो में,
और कईयों को 6 मंथ तक लगे, कईयों को 3 मंथ तक लगे। तो ये सबका प्रोसीजर डॉक्टर का अपनी हमारे पेशेंट की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहूँगी, अगर मुझे 6 मंथ तक इंजेक्शन लगे हैं और आपको 3 मंथ तक इंजेक्शन लग रहे हैं, तो क्या मेरे कहने से आप 6 मंथ तक इंजेक्शन लगवाएंगे, या अगर आपको 6 मंथ तक इंजेक्शन लगे हैं तो क्या आप जो है 9th मंथ तक इंजेक्शन लगवाएंगे या 3 मंथ तक इंजेक्शन लगवाएंगे? देखिए मेरे को कितने मंथ तक इंजेक्शन लगे, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि मुझे। हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको आंसर जरूर देती हूँ कि मेरे 6 मंथ तक लगे, लेकिन मैं आपको किस, मुझे तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि आप मुझे ये बोल रहे हैं कि जो है आपको कितने मंथ तक इंजेक्शन लगे, ये आप आंसर नहीं देते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मुझे इंजेक्शन जो है वो 6 मंथ तक लगे हैं। प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लगाए जाते हैं नॉर्मली, उससे पहले 10 से 12 दिन जो इंजेक्शन एक्स के लिए लगाया जाता है बनने के लिए, उसके बाद रिट्राइव करने के लिए लगाया जाता है। तो सबके टेस्ट, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर सब कुछ अलग अलग होता है हर पेशेंट के, और IVF भी 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाता है, लॉन्ग टर्म में और एक और टर्म होती है वो डिवाइड हो जाता है। फ्रोजन एम्ब्रियोस होते हैं, कई बार फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं, उसमें प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। तो जितनी मुझे नॉलेज है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब कि कमेंट आपने किया तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देखिए कि मैंने हमेशा बताया है कि मुझे इंजेक्शन कब कब लगे हैं। तो अभी भी प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना कि मुझे बताना कि मेरे को इंजेक्शन कितने मंथ तक लगे हैं, क्या मैंने ये नहीं बताया है। मैंने हमेशा बताया है ये बात, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, और इसका मैं क्या आंसर दूं आपको, और ये कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं है। अब देखिए मैं ये समझती हूँ कि मैं जब भी कमेंट्स आपको देती हूँ, कभी भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे कमेंट्स के आंसर मैं आपको देती हूँ, तो मैं कभी भी ये चीज़, मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं कि आप हर कमेंट का आंसर देते हो, तो बल्कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वीडियोस देखते हैं वो भी यही बोलते हैं कि आप हर कमेंट का आंसर देते हो, इससे अच्छा तो आप वीडियो बना कर उन्हें कमेंट दे दीजिए। तो मैंने ये बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो ओरली जो है बोलते हैं वो इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार जो वीडियो मैंने डाल रखी होती है जिसका आंसर मैं वीडियो में बोल रही हूँ वही कमेंट मेरे पास आ जाता है, मैं तब भी उसका आंसर देती हूँ। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ उससे रिलेटेड तब भी मैं उसका आंसर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पर्संस हैं जो IVF कराते हैं उनके लिए एक एक मिनट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनको उसी वक्त आंसर चाहिए होता है। उस वक्त मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ उसी दिन। और बहुत से ऐसे पर्संस हैं, मुझे ये भी याद होता है उनका कि उनका जो है रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड्स कब होने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट कब आने वाली है, मतलब कि आपका कैसा रहा क्या रहा। बहुत से इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पे भी मुझे मैसेजेस करते हैं, तो वो याद नहीं रखते हैं, उनका IVF भी हो जाता है, बेबी भी हो जाता है, और वो काफ़ी टाइम बाद मुझे इसका आंसर देते हैं। तो वो मुझे फेसबुक पर भी बताते हैं कि मैम हमारे को बेबी गर्ल हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल बॉय हुआ है, या ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई है। तो बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ मुझे राधे राधे करने के लिए कमेंट करते हैं, और मतलब कि उनका कोई क्वेश्चन भी नहीं होता, वो सिर्फ राधे राधे करने के लिए कमेंट करते हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है। और मुझे आपका कमेंट भी पूरा नहीं लगा है, लेकिन प्लीज़ आप जो है ज़रूर देखिएगा कि मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि डॉक्टर का प्रोसीजर अलग अलग होता है, और मुझे कब तक लगे हैं ये डॉक्टर ही बताएगा, मैं नहीं बता सकती आपको कि आपको इंजेक्शन कब तक लगेगा। मैं सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि मुझे इंजेक्शन कब तक लगे हैं, और आपको भी उतने मंथ तक लगें ये तो ज़रूरी नहीं है। और मैं क्यों चाहूँगी कि आपको मुझे ये जो इंजेक्शन है नॉर्मली 3 मंथ तक लगते हैं, और मैं क्यों चाहूँगी ये इंजेक्शन आपको, अगर मुझे 6 मंथ तक लगे हैं तो आपको भी 6 मंथ तक लगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ प्लीज़ जो है आप जो है इस बात का बुरा मत मानिएगा। तो अगर आपको फिर भी कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको जो है उस तरीके से मेंशन करने की कोशिश करूँगी जैसा कि आप चाहते हैं,
लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि जो हर डॉक्टर का प्रोसीजर अलग होता है और हर डॉक्टर जो है अपने अकॉर्डिंग ही इंजेक्शन कम या ज़्यादा लगाते हैं। और इंजेक्शन मैं आपको कोई भी नेम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, किसी हॉस्पिटल का मेनली नेम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैंने कहाँ से करवाया है यही आपको बता सकती हूँ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।